रुको जरा, सबर करो। वेल दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपने इंस्टाग्राम में किसी भी पर्सन को स्टोरी हाइड करना, तो कैसे कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई स्टोरी अपलोड करते हैं और हम चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक पर्सन से हम उसे हाइड करना, तो वो हम कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम पे। अगर आप भी चाहते हैं अपनी स्टोरी को किसी भी पर्सन से छुपाना, तो कैसे छुपा सकते हैं, वो आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हो मेरा नया यूट्यूब चैनल क्रेजी टेक सॉल्यूशन, जिसमें आपको लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चलता रहेगा। चलिए कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। इसके बाद इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है और यहाँ पास देख सकते हैं स्टोरी अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। अब मैं आपको डायरेक्टली आपको स्टोरी अपलोड नहीं करना है, इसके पहले आपको एक कुछ सेटिंग्स करनी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं किसी भी मिनिमम एक पर्सन से, अगर आप चाहते हैं कोई एक पर्सन से भी आप स्टोरी छुपाना, वो आप कर सकते हैं। आप मैक्सिमम 10, 20, 25 जितने लोग से भी आप अपनी स्टोरी छुपाना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने प्रोफाइल पर आ जाना है। तो यहाँ पर से मैं अपने प्रोफाइल पे आ गया। इसके बाद ऊपर में आपको 3 लाइन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर से हम 3 लाइन पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर से आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। तो सबसे पहले आपको सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर से आपको प्राइवेसी का ऑप्शन मिलता है। आपको प्राइवेसी वाले ऑप्शन में चले जाना है। इतना करने के बाद अब आपको नीचे थोड़ा सा एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है स्टोरी। अब आपको स्टोरी वाले ऑप्शन में चले जाना है। इतना करने के बाद अब यहाँ पर से देख सकते हैं हाइड स्टोरी फ्रॉम, एक पर्सन से मैंने हाइड करके रखा हुआ है। आप चाहो तो जितने लोग को भी आप यहाँ पर से जोड़ सकते हो। अब 1% पे मैं यहाँ पर से क्लिक करूँगा। अगर आपने अभी तक किसी को भी हाइड नहीं किया है तो यहाँ पर से 0% करके आपको शो कर रहा होगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर से आप जिस भी पर्सन से हाइड करना चाहते हैं आपको ऊपर सर्च करना है। तो यहाँ पर से आप किसी भी पर्सन को आप सर्च कर सकते हैं, जो भी आपका फ्रेंड है। तो यहाँ पर से किसी को भी आपको सर्च करना है। इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपको बैक हो जाना है। तो जैसे ही आप बैक हो जाते हो तो यहाँ पर से देख सकते हो 2 पीपल। तो मैं यहाँ पर से 2 लोगों से अपनी स्टोरी को हाइड कर लिया। इस तरीके से अगर मैं और लोगों को चूज़ कर लेता हूँ तो यहाँ पर से मुझे सिंपली से बैक आ जाना है। तो अभी फ़िलहाल 4 पीपल लोगों को मेरी जो स्टोरी है, अब मैं जो भी स्टोरी अपलोड करूँगा उन लोगों को नहीं दिखने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आप उनको वापस से उन्हें अनहाइट करना, या फिर आप चाहते हैं कि उनको स्टोरी है किसी एक स्पेसिफिक पोस्ट में, अगर आप चाहते हैं कि उनको हाइट करना, तो वो कर सकते हैं। बाद में आपको अनहाइट करने के लिए वापस से आपको यहाँ पास आना है और इस पर क्लिक करके आपको उससे जो ब्लू टिक है उसको हटा देना है। इतना करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर से 0 पीपल हो गया है। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से किसी भी स्टोरी में, आप अगर कोई स्टोरी हाइड करना चाहते हैं किसी भी पर्सन से आप स्टोरी को छुपाना चाहते हैं, तो आप बिना कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किए आराम से कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए क्रेजी टेक सॉल्यूशन चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।